वॉर जोन से बड़ी खबर आपको दे दे, डोनेस्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग चल रही है। रूस ने युद्धक हेलीकॉप्टर से दागी है मिसाइल, यूक्रेन के टैंक को निशाना बनाया गया है। तो वहीं सर्दियों से पहले रूस यूक्रेन ने अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की लिस्ट में इस वक्त टॉप पर घातक ड्रोन है। बर्फबारी शुरू हो उससे पहले रूस और यूक्रेन आर्मी अपने हथियारों के गोदाम ड्रोन से भर लेना चाहती है। इसी कड़ी में जहां रूस ईरान से अपग्रेडेड कामिकाज़ी ड्रोन लेने वाला है, वहीं यूक्रेन को एक ऐसा सीक्रेट ड्रोन मिला है जो आने वाले वक्त में भीषण तबाही मचा सकता है। एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि बहुत जल्द युद्ध का नया फेज जल्द शुरू होने वाला है जो सर्वनाश लेकर आएगा। यह पुतिन का ईरानी हमला है जो यूक्रेन में कहर बनकर टूट रहा है। ये पुतिन की वो ताकत है जो आसमान से हमला कर नेटो के हथियारों को तबाह कर रही है। ये रूस को ईरान से मिला सबसे घातक शाहिद 136 ड्रोन है जो बीते एक साल से यूक्रेन में भयानक तबाही मचा रहा है। अगर अब ये आत्मघाती ड्रोन और ज्यादा घातक हो चुका है, इसके नए अपग्रेड्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। शाहिद ड्रोन को हवा से लॉन्च किया जाता है और ये सीधा अपने टारगेट पर जाकर हिट करता है। ईरान का दावा है कि ये अपग्रेडेड शाहिद ड्रोन का लेटेस्ट वीडियो है। वीडियो में नजर आ रहे कामिकाज़े ड्रोन के नए संस्करण को ग्राउंड लॉन्चर से नहीं बल्कि एयर कैरियर से लॉन्च किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, शाहिद ड्रोन को और ज्यादा विनाशक बनाया गया है। शाहिद 136 ड्रोन में टर्बो जेट इंजन लगाया गया है। ये हमले के दौरान बेहद कम आवाज करेगा, ज्यादा गुप्त तरीके से दुश्मन पर प्रहार करेगा। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस और ईरान के बीच नए ड्रोन को लेकर बातचीत चल रही है। रूस सर्दियों से पहले इन ड्रोन्स को यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों तक पहुंचाना चाहता है। जहां रूस अपनी ड्रोन पावर बढ़ा रहा है, वहीं यूक्रेन भी अपनी ड्रोन ब्रिगेड को मजबूत बनाने में जुटा है। ये यूक्रेन का सबसे लेटेस्ट अंडरवाटर ड्रोन है जिसका नाम है मारिचका। यूक्रेन का अंडरवाटर ड्रोन ब्लैक सी में रूसी वॉरशिप और बेस के लिए बड़ा खतरा है। मारिच का ब्लैक सी समेत क्रीमिया के कर्च ब्रिज के आसपास कहीं भी हमला करने में सक्षम है। मारिचका की रेंज 1000 किलोमीटर, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। यह अपने साथ 200 किलो तक विस्फोटक लेकर जाने में सक्षम है। रूस के समुद्री बेड़े के लिए एक बड़ा खतरा इसकी बेहद खास टेक्नोलॉजी है। यूक्रेनी दावे के मुताबिक यह अंडरवाटर ड्रोन रडार के पकड़ में नहीं आता। यूक्रेन जानता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन किसी भी जंग का रुख बदल सकता है, इसलिए यूक्रेन की ड्रोन कंपनियां नए और एडवांस ड्रोन विकसित कर रही हैं। इस कड़ी में यूक्रेन की एलेक्स कंपनी ने भी एक नया ड्रोन तैयार किया। यूक्रेन के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माइखाइलो फेडोरोव का दावा है कि सीक्रेट यूक्रेनी ड्रोन ने एक रात में रूस को 580 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। इस ड्रोन ने एक ही रात में कई T-80 टैंक, T-72 टैंक और T-30 होवित्जर तबाह कर दिए। यूक्रेन का ये ड्रोन रूसी सेना के लिए टेरर बना हुआ है, क्योंकि इसके नाम और तकनीक को लेकर यूक्रेन ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। यूक्रेन के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माइखाइलो फेडोरोव ने कहा, इसे दुश्मनों के लिए आश्चर्य ही रहने दें, युद्ध का एक नया चरण जल्द शुरू होगा। दरअसल यूक्रेन सर्दियों के लिए जंग की तैयारी में जुटा है, इसीलिए वो अपनी ड्रोन आर्मी को ज्यादा ताकतवर और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है।
यूक्रेन ने 10,000 नए ड्रोन पायलट भी तैयार किए हैं। 5,000 से ज्यादा ड्रोन पायलट वॉर जोन में एक्टिव हो चुके हैं, जो रशियन आर्मी पर कहर बनकर टूट रहे हैं। बीते एक हफ्ते की बात करें तो यूक्रेन के ड्रोन आर्मी ने रूस को भीषण नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक में रूस की 64 रूसी तोप, 27 टैंक, 55 आर्मी ट्रक, 34 बख्तरबंद वाहन, 68 रूसी सैनिक भी ड्रोन हमलों में मारे गए। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन का भीषण हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी ट्रक में आग लग गई। रूसी सेना ने जलते हुए ट्रक का वीडियो बनाया है, तो आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन ने किया है ये भीषण हमला और रूसी सेना ने जलते हुए ट्रक का वीडियो बनाया। ये देखिए, यही है वो ट्रक जिस पर निशाना साधा गया था यूक्रेन की ओर से, और हमले में एक और अहम खबर है, यूक्रेन ने ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया है। रूसी सेना को ड्रोन से निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचने की खबर मिल रही है।